सर आवाज आ रही है? जी शुरू करें। जी जी ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फातमा शबीर। आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर अकरम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस वेबिनार ऑन डेली बेसिस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। आज का जो मेरा टॉपिक है बताऊंगी, जो कैंसर होता है स्टम, जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है वो कैसे होता है और इसकी मेन कॉजेज क्या है और इसका इंसिडेंस जो है वो कितना है और किस किस इसके रिस्क फैक्टर जो है वो क्या है जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो हमारे मैदे का जो कैंसर होता है ये ओवरऑल जो है ग्लोबली जो है ओवरऑल वर्ल्ड में जो है ये एक हेल्थ प्रॉब्लम इशू है और ये फिफ्थ नंबर पे जो है, पांचवें नंबर पे जो है, ये एक नंबर पे जो है वो कैंसर है। मतलब कि ये फिफ्थ पॉइंट पे आता है जो कि सबसे ज्यादा जो है ये लोगों को जो है ये होता है। और थर्ड नंबर पे देखा जाए ना तो मोस्ट कॉमन जो है अगर देखा जाए तो फिफ्थ नंबर पे जो है जो सबसे ज्यादा लोगों को जो कैंसर होता है वो गैस्ट्रिक कैंसर होता है, स्टमक का जो है वो कैंसर होता है। और इसकी बेसिकली रीजन क्या होती है वो अगर हम बात करें तो वो नेक्स्ट आ जाता है कि अगर किसी को इनिशियली जो है अगर वो गैस्ट्राइटिस वगैरह का इश्यू है। गैस्ट्राइटिस बेसिकली हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें होता क्या है कि स्टमक के अंदर जो है वो इंफ्लेमेशन हो जाती है, तो आहिस्ता आहिस्ता फर्दर जो है फिर आगे से जो वो क्रोनिक होती है, एक्यूट से क्रोनिक फॉर्म में फिर आगे से जो है वो गैस्ट्रिक कैंसर में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। सबसे ज्यादा ओवरऑल वर्ल्ड में जो पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा कैंसर में देखा जाए तो कैंसर की वजह से सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो थर्ड नंबर पर, जो सबसे ज्यादा जो कैंसर की वजह से डेथ होती है लोगों की वो गैस्ट्रिक कैंसर की मतलब के लोगों की होती है। अगर देखा जाए तो आजकल जो है अगर देखा जाए तो गैस्ट्रिक कैंसर का इंसिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। बहुत ज्यादा इसका मोर्टेलिटी रेट होता है कि डेथ रेट जो होता है इसका मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी रेट जो है कि बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। इवन अगर देखा सबसे ज्यादा जो ये कॉमन होता है यूएस वगैरह में, ईस्ट एशिया वगैरह में, अमेरिका में जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर हम होता कि किस किस एरिया में है, जो स्टमक का जो कैंसर होता है वो दो तरह का हो सकता है। उसको बेसिकली कहा जाता है कि गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा, जो हमारे स्टमक का जो कैंसर होता है उसको कहा जाता है गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा। उसकी जो है वो दो रीजन हो सकती है कि वो कैसे हो सकता है जी। आगे से जो है फर्दर दो तरह का होता है, एक होता है कार्डियक गैस्ट्रिक कैंसर, एक होता है नॉन कार्डियक गैस्ट्रिक कैंसर। मतलब अगर देखा जाए ना स्टमक जो होता है हमारा उसके जो है वो अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसके कुछ जो है वो उसके जो स्ट्रक्चर में पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंट्रम, फिर कार्डियक, फिर उसके आगे बॉडी जो होता है। तो ये उसके जो पोर्शन के बारे में बताया कि जो उसका कार्डियक रीजन होता है एक वहां पे कैंसर हो सकता है और एक होता है नॉन कार्डियक जो कैंसर होता है वो होता है। जो कार्डियक कैंसर होता है उसको ये कहाँ पे होता है जो कार्डियक जो कैंसर होता है स्टमक का वो कहाँ पे होता है, गैस्ट्रिक कैंसर होता है वो होता कहाँ पे है, जो स्टमक के बिल्कुल जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है वहां पे होता है। मतलब के जो जहाँ पे हमारा एसोफिगस जो एंड होता है, जो हमारी खुराक की नाली जो एंड होती है वहां से आगे जो है जो गैस्ट्रो एसोफिगस जो जंक्शन है, जहाँ पे हमारा जो एसोफिगस है जो हमारी खुराक की नाली जो लास्ट पे एंड होती है और हमारे स्टमक के साथ जो जाकर जाके अटैच होती है, जो जहाँ पे जो जंक्शन होता है गैस्ट्रो एसोफिगल जंक्शन वो उससे बिल्कुल प्रोक्सिमल अगर देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर अबव जो है वहां पे क्या होता है कि ये कार्डियो गैस्ट्रिक जो है कैंसर जो है ये होता है। इसकी बेसिकली रीजन होती है कि ये ओबेसिटी हो सकती है जो स्टमक का कैंसर होता है, या इसकी रीजन हो सकती है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म जो है बहुत ज्यादा अरसे से जो है अगर किसी को खुराक की नाली का जो है वो क्या होता है या स्टमक इश्यू होता है, खुराक की नाली का जो है उसको इश्यू होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, गैस्ट्राइटिस मेनली अगर हम बात करें तो जिसको गैस्ट्राइटिस होता है, ठीक है, या जिसको जो है वो हाइपर एसिडिटी होती है, हार्ड बर्न होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा स्टमक जो हमारा मैदा जो कुछ जो है वो एसिड रिलीज करता है, लाइक अगर हम बात करें तो इसमें मोस्ट कॉमन जो है वो एक आ जाता है एचसीएल। एचसीएल जो है वो जब बैक फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, वो राख नाली में आना स्टार्ट कर देता है, तो जिसकी वजह से खट्टे डकार आते हैं, जायका जो है वो मुंह हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हैवनेस जो है वो फील होती है स्टमक में, तो ये उसको जो है वो कहा जाता है जो कहा जाता है हाइपर एसिडिटी जो है उसको कहा जाता है। तो इसमें यह देखा अगर किसी पर्सन को जो है अगर उसको क्रोनिक जो है वो रहती है लॉन्ग टर्म के लिए रहती है तो गैस्ट्राइटिस वगैरह यहाँ उसको रहता है तो उसके स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन रहती है,
उसको जो है ये नेक्स्ट फ्यूचर में जो है वो स्टमक का कैंसर हो सकता है। इस तरह वो लोग जो कि बहुत ज्यादा जो है वो स्मोकिंग करते हैं बहुत, तो उनको जो है वो हो सकता है सब। हेलो, आप जारी रखें। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखा जाए तो जी सर, आप जारी रखें। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो स्टमक का जो कैंसर होता है सबसे ज्यादा जो है ये मैन के अंदर जो है इसके ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को कैंसर की जो स्टमक कैंसर की वजह से जिन लोगों की डेथ होती है उसकी ज्यादा पर से ज्यादा जिन लोगों के कैंसर के स्टमक कैंसर की वजह से डेथ होती है वो कार्डियक गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से जो है वो होती है। अच्छा, अब दूसरा जो स्टमक का जो कैंसर होता है उसकी एक तो ये थी कि इसका वो जो था कि गैस्ट्रो इसोफेगाइट जंक्शन में जो था अगर प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जो हमारी खुराक की नाली जो स्टमक साथ रिलेट कर रही है वहां पे जैसे इंफ्लेमेशन वगैरह होगी तो उसकी वजह से हो सकता है। से जो मैंने बात की, एक मैंने बात की थी कि एक कैंसर होता है स्टमक का जो कार्डियक जो पार्ट होता है बिल्कुल अपर पार्ट होता है वहां पे जो है वो कैंसर होता है। कौन है? नॉन कार्डियक। नॉन कार्डियक जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है बेसिकली होता क्या है कि वो जो स्टमक के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन मतलब कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो कि बहुत कॉमन है जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं स्टमक के अंदर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। जैसे अगर हम बात करें तो अक्सर जो है वो लोगों को जो है वो स्टमक का इश्यू रहता है, ये उसका टेस्ट भी करवाते हैं, एच पाइलोरी बैक्टीरिया का जो है वो टेस्ट भी करवाया जाता है तो कितना जो है इन्फ्लेमेशन वगैरह स्टेटस है इसका स्टमक के अंदर ना, गैस्ट्राइटिस कितना है। तो ये जो होता है नॉन कार्डियक गैस्ट्रिक जो होता है उसमें बेसिकली क्या रीजन होती है वो एच पाइलोरी, और किसी को कॉन्टिन्यूसली परसिस्टेंट जो है ये इन्फेक्शन रहता है। कॉन्टिन्यूसली परसिस्टेंट मतलब कि उसको थोड़ी देर बाद जो है एक दिन हो गया 2 दिन बाद जो है दोबारा इसको जो है वो स्टमक का इशू हो जाता है, तो उनके अंदर जो है ये कैंसर जो है वो इस नेक्स्ट जो है ये कैंसर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो देखा जाए तो जो नॉन कार्डियक कैंसर होता है ये भी जो है ओवरऑल जो है वर्ल्ड वाइड में जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो इसकी मतलब कि रीजन बन रहा है गैस्ट्रिक कैंसर की। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा क्या आता है कि हमारे स्टमक ने जो है वो कुछ जो है वो है वो म्यूकस वगैरह उसके स्टमक की जो ऊपर वाली लेयर होती है म्यूकोजा लेयर जो होती है उसका बेसिकली काम क्या होता है कि उसमें क्या करना होता है कि जो हमारा स्टमक जो एचसीएल प्रोड्यूस करता है उसने म्यूकोजल लेयर जो है वो हमारी ऊपर वाली लेयर को जो है उसको प्रोटेक्ट करना होता है कि ताकि वो डैमेज ना हो। अगर किसी पर्सन के उस म्यूकोजल लेयर के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन आ गई है, ठीक है, तो उनको भी जो है ये इन्फेक्शन हो सकता है, एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो सकता है, तो उनके अंदर भी जो है वो ये गैस्ट्रिक कैंसर नॉन गैस्ट्रिक कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो था ये नेक्स्ट जो है अगर हम देखा जाए तो इसको हम कैसे जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं, ये देखा जाए तो इसको डायग्नोस किया जाता है इसके जो टिश्यू होता है उसको एंडोस्कोपी के लिए क्या किया जाता है कि वो टिश्यू का है वो पार्ट लिया जाता है और बाद में क्या इसकी हिस्टोलॉजी उसके टिश्यूज जो होते हैं बेसिकली टिश्यू जो कोई भी कैंसर का अगर टेस्ट वगैरह किया जाए तो इसका जो जहाँ जिस एरिया में जो है वो हो फील हो पेन वगैरह तो उस एरिया को जो है वो टिश्यू को जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है बायोप्सी वगैरह के थ्रू, उसका टिश्यू का पार्ट लिया जाता है फिर पैथोलॉजिस्ट को जो होते हैं ट्रांसफर किया जाता है लैब में, फिर वो जो है वो प्रॉपर डायग्नोस करके बताते हैं किसकी क्या रीजन है और किस कौन सी इसकी जो है वो स्टेज है। अब हम बात करते हैं एच पाइलोरी जो है ये द क्लास ऑफ वन कार्सिनोजेनेसिस। अगर देखा जाए ना तो 80% लोगों को जो है वो गैस्ट्रिक कैंसर जो है वो एच पाइलोरी के, 89% जो लोगों को जो कैंसर होता है वो गैस्ट्रमक का कैंसर जो ज्यादा केसेस जो रिपोर्ट होते हैं वो उसमें एच पाइलोरी जो गैस्ट्रिक कैंसर होता है वो ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है। इसी तरह अगर देखा जाए ना तो ये एच पाइलोरी जो बेसिकली है क्या है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इसको सबसे पहले जो था डिस्कवर किया गया था 1983 में डिस्कवर किया गया था। इसकी उन्होंने बताया कि इसकी मेन काज क्या है, इसकी मेन जो काज होती है वो ये क्या होता है गैस्ट्राइटिस ही होती है, ठीक है। तो
आगे अगर हम बात करें तो गैस्ट्राइटिस चेन ही है कि किसी एक सिर्फ जो जो बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो लोग जो कि बहुत सारे जो है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यू टोबैको का इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनका अनहेल्थी लाइफ स्टाइल है, साल्ट का बहुत ज्यादा इंटेक है, अगर किसी को क्रॉनिक जो है इसका इश्यू हो सकता है स्टमक का, तो उसको अगर एक्यूट फॉर्म में है, सॉरी अगर क्यूट है, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में उसको अगर स्टमक का इशू है तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं, उसका स्टमक जो इशू है वो ठीक हो सकता है, वो जिस जो फैक्टर उसको ट्रिगर कर रहा है, उसको पेन काज कर रहा है, वो उस फैक्टर को जो है वो छोड़ दे। मतलब कि जब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन को जो है बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें वगैरह खाने से स्टमक का इशू होता है, तो उसको चाहिए कि वो उन स्पाइसी चीजों से अवॉइड करें। अगर किसी को स्मोकिंग वगैरह से इशू हो रहा है तो वो उस फैक्टर को जो है वो अवॉइड कर दे, तो उसके बहुत हद तक जो है वो चांसेस जो है वो क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि किन के अंदर जो है ये जो है वो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो वाले पर्सन जिनके अंदर वो जिनकी अगर हम बात करें, जैसे अगर हम बात करें तो कैंसर बेसिकली होता ही तब है अगर हमारी किसी अगर जो है वो किसी जीन के अंदर जो है वो क्या आ गई है, चेंजिंग आ गई है। 10 to 50% जो है वो कैंसर के चांसेस तब होते हैं अगर किसी के पीछे फैमिली हिस्ट्री के अंदर है, किसी का दादा नानी जो भी किसी को है, या अगर किसी के पेरेंट्स को है, तो आगे से जो है वो उस पर्सन के अंदर जो है वो 10 से 15% चांसेस बढ़ जाते हैं अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री के अंदर कैंसर है। तो एक ये हो सकता है, अब ये नहीं कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है तो फिर ही हो सकता है, बल्कि अगर किसी पर्सन का लाइफ स्टाइल जो है वो ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा ओबेसिटी का शिकार है, या उसका अनहेल्थी लाइफ स्टाइल है, कोई फिजिकल एक्टिविटी लेवल नहीं है, बहुत ज्यादा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ज्यादा जो है स्पाइसी चीजों का इंटेक कर रहा है, तो जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन जो वाले फैक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि डिजीज को आगे से फर्दर जो है वो लेकर स्टार्ट करते हैं। तो ये भी आते हैं रिसर्चेज में कि अगर किसी पर्सन के अंदर जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी, मतलब कि जो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करते हैं, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स हैं, अगर वो ज्यादा हो गए हैं, लाइक अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है इंटरल्यूकिन 1 है, तो ये जो है अगर किसी की कुछ जो है इंटरल्यूकिन 1 जीनोटाइप जो है वो इसमें जो है मतलब कि डिफरेंट जो है वो जीन्स होती हैं जो कि डिफरेंट डिजीज कैंसर से रिलेट करती हैं, जैसे MLR1 जो है वो कोलोन कैंसर से रिलेट करती है, इस तरह BRCA1 BRCA2 जीन के अंदर अगर प्रॉब्लम आ गई है तो वो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेट करती है, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कॉज करेगी। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो जो ये जो इंटरलिकेन 1 जो जीन है जीनोटाइप, अगर इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है तो ये गैस्ट्रिक कैंसर जो वो कॉज करेगी, ठीक है, तो इसमें जो है वो आएगा। अब यहाँ पे जो है वो पॉइंट आता है कि वो वाले लोग जिनके अंदर जो है वो एच पायलोरी बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन काज करता है, उनके अंदर जो है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी, उनके अंदर 87% जो है वो ज्यादा रिस्क होते हैं कि उनके अंदर जो कैंसर काज होगा उसमें जो है वो ये भी हो सकता है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी इंटरलिकेन 1 जैसे मैंने बात की है जीनोटाइप जो है वो रिपोर्ट होती है, जो है वो इसके अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन वगैरह होती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखा जाए तो डिफरेंट कंट्रीज में जो वो डिफरेंट डाटा है इसके अकॉर्डिंग, ये नहीं कह सकते कि कैंसर जो है वो आज के ही जमाने की डिजीज है, बल्कि ये बहुत सारी सदियों से पहले हुई थी, लेकिन पहले लोगों को जो था वो डिजीज को डायग्नोस करना नहीं था आता प्रॉपरली, कि ऑब्वियसली उन पहले जमाने में क्या होता था कि इतने ज्यादा जो थे वो सोर्सेज वगैरह नहीं थे होते, इतने जैसे अगर पैथोलॉजिस्ट वगैरह जो थे वो इतना डीपली जो थे वो कि सोर्सेज अवेलेबल होने की वजह से जो है प्रॉपर डिजीज को डायग्नोस नहीं किया जाता था। इवन के हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो बहुत सारा इस तरह आ जाता है कि कैंसर को पहले ये समझते थे, पहले जमाने में तो लोग ये समझते कि शायद उनको कोई उनको जो कैंसर है वो इस वजह से हुआ है कि उनको गुनाहों की सजा रही, कुछ लोगों का ये मत था, कुछ लोग तो जो होते थे वो उनका पता तो था कि ये एक डिजीज है लेकिन उनको इसका पहले जमाने में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था होता था। इवन के पहले जमाने में लोग जो थे वो ये भी करते होते थे कि अगर किसी को कैंसर होता था तो जिस एरिया में कैंसर होता था वहां पे वो लोहा वगैरह गर्म करके जो था वो इस एरिया में लगा थे कि ताकि सेल जो है वो डैमेज हो जाए, सेल जो है वो किल हो जाए, लेकिन हर पर्सन के क्या होते थे उससे जो था वो डेथ वगैरह हो जाती थी। फिर डिफरेंट डिफरेंट जो थी वो क्या थ्योरीज आती गई कैंसर के बारे में कि लोग जो थे वो कैंसर को कैसे आइडेंटिफाई
किया गया। इसी तरह हम कह सकते हैं कि कैंसर जो है वो सिर्फ आइस इसी हिस्ट्री में जो है वो नहीं है, कॉमन नहीं है, बल्कि बहुत सारी सदियों से जो है ये कैंसर जो है वो लोगों में जो है ये डिजीज जो है वो आ रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गैस्ट्रिक जो स्टमक का कैंसर ये 19th सेंचुरी में भी था, इसके अलावा 20th सेंचुरी में भी था, लेकिन में भी बहुत ज्यादा जो था वो ये कॉमन था। 1919 में अगर देखा जाए तो बहुत था वो एक साइंटिस्ट था, अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या था, जेम्स एविंग था। उसने बहुत सारी जो थी वो स्टैटिस्टिक्स लगाई, उसने बताया कि कैंसर की जो है वो कितनी प्रेवलेंस है, सारे जो थे इसके केसेस वगैरह बताए। अब अगर हम बात करें तो कैंसर जो है अगर देखा जाए ना, जो मेन होते हैं गैस्ट्रिक जो स्टमक का कैंसर होता है, आदमियों के अंदर जो है वो ज्यादा चांसेस होते हैं उनके अंदर ट्विस्ट, मतलब के अगर देखा जाए ना डबल चांसेस होते हैं गैस्ट्रिक कैंसर के एज कम्पेयर टू वोमेन, ठीक है। और मोस्टली जो है ये तब भी होता है अगर आफ्टर द एज ऑफ 60 में जो है ये डायग्नोस होता है, मतलब कि मोस्टली जो है ये होता है। और इसकी रीजन बेसिकली होती क्या है कि कोई भी कैंसर है किसी को हुआ है तो ये एक, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कोई भी क्रोनिक डिजीज है, सिर्फ कैंसर के अकॉर्डिंग ही हम बात नहीं करेंगे, कोई भी क्रोनिक डिजीज है, लाइक अगर हम बात करें हाइपर टेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है, ये ऐसी डिजीजेस हैं कि एकदम नहीं होती। मतलब हम ये कह दें कि आज मुझे डायबिटीज होगी, कल मैंने मीठा खाया या इस तरह कैंसर हो गया, ऐसे नहीं होता। या किसी ने कहा आज मैंने बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें खाई हैं तो मैंने नमक खाया था तो इस वजह से मेरा बीपी एकदम हाई हो गया, ऐसे नहीं होता। बल्कि इसके पीछे जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म जो है वो हिस्ट्री होती है, हमारी 10 से 12 साल की हिस्ट्री होती है कि हमारा पीछे 10 से 12 साल जो है वो हमारा लाइफस्टाइल जो है वो कैसा रहा है, हमारा लाइफस्टाइल क्या था, हमारा फूड इनटेक क्या था, हमारी स्लीप अवेक साइकिल क्या था, हमारा वाटर का इंटेक क्या था, हमारे हाइजीन क्या थी, मतलब कि हम कितना ज्यादा जो था हम सफाई वगैरह पसंद का याद रखते हैं, मतलब कि कितना ज्यादा जो है हम फूड का इंटेक करते हैं तो उसको प्रॉपर वॉश करके जो है वो लेते हैं, तो हमारा एक्सपोजर जो है वो किस एरिया में है, केमिकल एक्सपोजर में तो नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है ये मिलकर जो है वो एक डिजीज को जो है वो आइडेंटिफाई करती हैं एकदम जो है, कभी भी कोई डिजीज जो है वो ऐसे जो है वो नहीं हो जाती। इसी तरह अगर हम बात करें तो कैंसर बिल्कुल जो है वो ऐसे है, बहुत सारे जो था वो कुछ लोगों का जो था वो ये भी एम था कि जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों का ये था कि जो हमारे स्टमक के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है उसकी भी रीजन हो सकती है कि अगर किसी ने पोल्यूटेड वाटर वगैरह का इंटेक किया है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनके एरिया में जो है वो बिल्कुल, अब जैसे अगर हम बात इसी तरह अगर हम बात करते हैं बहुत से कॉमनली क्या होता है कि हमारी जितनी भी ये इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, इंडस्ट्रीज ने क्या किया होता है कि उन्होंने अपने जो पाइप वगैरह होते हैं केमिकल्स वगैरह उन्होंने बिल्कुल अंदर ही जो है वो जो निकाले होते हैं अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर ही, ताकि उनके जितने ऑक्सीजन वगैरह मटेरियल हैं वो जो है वो उन्होंने कोई सिस्टम रखा होता है कि वो पानी वो निकलता जाता है वो सीधा जो है वो जो भी नदियों वगैरह में जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, जो जो टॉक्सिक जो वाटर होता है इंडस्ट्रीज का, तो अब वही वो पानी जो है जो नदियों से कहाँ जाता है वो हमारे टैप वगैरह में आता है। लोगों जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती बेचारे, जो कुछ एरिया में जो है वो भी इतना सिस्टम जो है वो अपडेट नहीं है, वाटर टैंक जो प्रॉपर जो है फिल्टर फिल्टर्ड वाटर टैंक्स वगैरह नहीं है, तो वो लोग जो बहुत ज्यादा उस एरिया में लोग जगह बहुत ज्यादा जो है वो इस वाटर की कंजप्शन करते हैं पोल्यूटेड वाटर की, तो वो क्या करता है कि वो बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है वो कॉज कर देता है। तो जब पर्सन जो है वो स्टमक में इन्फ्लेमेशन वगैरह होने की वजह से जो है वो अनहेल्थी जो है वो वाटर सप्लाई, सॉरी अनहेल्थी जो है वो डाइटरी लाइफस्टाइल और जो है वो क्लीन वाटर ना होने की वजह से जो है ये स्टमक कैंसर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और ये होता क्या है कि इसमें देखा जाए तो इसमें ये था कुछ रिसर्चेस में लोगों ने कुछ रिसर्चेस में ये इम्प्रूवमेंट आए, देखा गया कि अगर हम लोगों की जो है वो अगर हम पब्लिक जो है वो सैनिटेशन को सिर्फ इम्प्रूव कर दिया जाए ना, कि हाइजीनिक कंडीशन के लोग लोग जो है वो सफाई वगैरह के इसमें जो है वो पर ध्यान रखे, तो उससे ही जो है बहुत ज्यादा जो है ये स्टमक के कैंसर के चांसेस जो है वो कम हो सकते हैं। और अच्छा ठीक है, ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।